तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे रेसलमेनिया 37 के सभी मैचेस की स्टार रेटिंग्स के बारे में, कौन से मैच को सबसे बड़ी स्टार रेटिंग मिली, उसके अलावा गाइस मेरे हिसाब से कौन से मैच की कितनी स्टार रेटिंग होनी चाहिए थी उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं WWE चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि हमें ड्रू मैकइंटायर और बॉबी लैशली के भी देखने को मिला था। रेसलमेनिया की नाइट वन का पहला ये मैच था। और गाइस इस मैच की स्टार रेटिंग की बात करें तो डेव मेल्ज़र ने इसे रेटिंग दी है 3.75 स्टार्स की, जो कि मेरे हिसाब से इस मैच के लिए बिल्कुल सही है। उसके अलावा गाइस हम अगले मैचेस की बात करें जो कि हमें देखने को मिले थे, टैग टीम टर्बॉयल मैच। और गाइस यहां पर सबसे पहले बिली के एंड कार्मेला वर्सेज लाना एंड नियोमी के मैच को मिले 0.75 स्टार, बिली के एंड कार्मेला वर्सेज रॉयल स्क्वाड के मैच को मिले 0.5 स्टार, डेना ब्रूक एंड मैंडी रोज वर्सेज रॉयल स्क्वाड के मैच को मिले 1.25 स्टार, उसके अलावा नटालिया एंड तमीना वर्सेज रॉयल स्क्वाड के मैच को मिले 1.75 स्टार। और गाइस मेरे हिसाब से सभी मैचेस की स्टार रेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब गाइस अगले मैच की बात करते हैं, जो कि हमें सेथ रॉलिंस और सिजारो के भी देखने को मिला था। और गाइस इस मैच में आप सब जानते हैं काफ़ी बढ़िया रेसलिंग थी दोनों सुपरस्टार की तरफ से, और इस मैच को मिले 4 स्टार। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से इस मैच की स्टारिंग थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी, और मेरे हिसाब से इस मैच को मिलने चाहिए थे 4.25 स्टार। उसके अलावा गाइस अगले मैच की बात करें, जो कि हमें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एजी स्टाइल एंड ओमोस के भी देखने को मिला था। और गाइस यहाँ पर आप सब जानते हैं टाइटल चेंज भी हुआ है और एजी स्टाइल एंड ओमोस न्यू चैंपियन बन चुके हैं। और गाइस मेरे हिसाब से इस मैच की स्टार रेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है और इस मैच को मिले 2.25 स्टार्स। उसके अलावा गाइस बात करें हम स्टील केज मैच की, जो कि हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन और शेन मैकमैन के भी देखने को मिला था। और आप सब जानते हैं इस मैच में मूवमेंट काफ़ी बढ़िया थे, लेकिन स्टार रेटिंग की बात करें तो इसे मिले 1.5 स्टार, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि मैं इसे दूंगा 2.25 स्टार। उसके अलावा गाइस बैड बनी एंड डेमिन प्रीस्ट वर्सेज मिज एंड मॉरिसन के टैग टीम मैच की बात करें तो गाइस इस मैच को मिले 3.5 स्टार, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अलावा गाइस रेसलमेनिया नाइट वन के आखिरी मैच की बात करें, जो कि हमें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए साशा बैंक्स और बियांका बेलेयर के बीच देखने को मिला था। और गाइस आप सब जानते हैं इस मैच में रेसलिंग काफ़ी बढ़िया हुई थी। और गाइस अगर हम बात करें इस मैच की स्टार रेटिंग की तो डेव मेल्ज़र ने इसे दिए हैं 4 स्टार, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। उसके अलावा गाइस हम नाइट टू की तरफ आ जाते हैं, जहां हमें सबसे पहले फीड और रैंडी ऑटन के बीच सिंगल्स मैच देखने को मिला था। और गाइस इस मैच की स्टार रेटिंग आई है -1 स्टार, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था, क्योंकि ज़्यादा कुछ इस मैच में था ही नहीं। उसके अलावा गाइस हम अगले मैच की बात करें, जो कि हमें वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिला था, जहाँ पर शीना बेजलर एंड नाया जैक्स ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करा था अगेंस्ट तमीना नटालिया। और गाइस इस मैच की स्टार रेटिंग की बात करें तो गाइस इस मैच को मिले 2.25 स्टार, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। उसके अलावा गाइस केविन ओविंस और सैमी ज़ेन के मैच की बात करें, जहाँ पर आप सब जानते हैं केविन ओविंस ने जीत हासिल करी थी। और गाइस इस मैच की स्टार रेटिंग की बात करें तो इस मैच को मिले हैं 3.75 स्टार, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। उसके अलावा गाइस रिडल और शेमस के US चैंपियनशिप मैच की बात करें, जहां पर आप सब जानते हैं शेमस न्यू चैंपियन बने थे, और इस मैच की स्टार रेटिंग की बात करें तो गाइस इसे मिले हैं पूरे 4 स्टार। उसके अलावा बिगी वर्सेज अपोलो क्रूज के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की बात करें तो गाइस इसे मिले हैं 3 स्टार। उसके अलावा गाइस आस्का वर्सेज रिया रिप्ली के रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच की बात करें तो गाइस इसे मिले हैं 3.75 स्टार, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। उसके अलावा गाइस मेन इवेंट की बात करें, जो कि हमें नाइट टू में देखने को मिला था, बिटवीन रोमन रेंस एज एंड डैनियल ब्रायन फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और गाइस इस मैच की स्टार रेटिंग्स की बात करें तो गाइस इस मैच को मिले 4.5 स्टार, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि गाइस ये मैच काफ़ी कमाल भी था। और गाइस आप सब जानते हैं यहाँ पर रोमन रेंस ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करा था और रेसलमेनिया हुई थी ख़त्म। तो गाइस ये थे सभी मैचेस की स्टार रेटिंग, जो कि मैं रेसलमेनिया 37 की नाइट वन एंड नाइट टू पर देखने को मिले। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो गाइस इस वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, और साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।